हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में कुछ प्रपोजिशन मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा अपना नेक्स्ट प्रपोजिशन जो है ओवर। ओवर का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर। और इसका जो यूज किया जाएगा वह किया जाएगा सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में। सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में, होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा? ओवर का यूज किया जाता है। सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में, उस सीधे या लंबवत का मतलब क्या है? अपने जस्ट ऊपर, अपने जस्ट ऊपर होने के अर्थ में। सीधे बिल्कुल अपने जस्ट ऊपर होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। जैसे कि द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स। तो स्काई जो है हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर है, हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर है। इस स्थिति में किसका यूज किया है हमने? ओवर का यूज किया। जैसे हम बात करते हैं द काइट्स आर फ्लाइंग ओवर आवर हाउसेज, यानी कि जो पतंग हैं वह पतंग कहाँ उड़ रही हैं? हमारे घरों के ऊपर उड़ रही हैं। ठीक है, तो सीधे लंबवत ऊपर होने की स्थिति में किसका यूज किया जाता है बेटा? ओवर का यूज किया जाता है। अगला यूज है इसका किसी कार्य में लगे होने या समय गुजारने के अर्थ में। किसी कार्य में लगे होने या समय गुजारने के अर्थ में, किसी कार्य में लगे होने या समय गुजारने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। एग्जांपल लेते हैं हम इसमें बेटा, जैसे कि विनोद स्पेंट हिज टाइम ओवर ए क्वेश्चन। विनोद स्पेंट हिज टाइम ओवर ए क्वेश्चन, यानी कि विनोद ने अपने समय को किस में बर्बाद कर दिया, किस में खर्च कर दिया? केवल मात्र एक क्वेश्चन में। विनोद ने अपने समय को किस में खर्च कर दिया है? एक क्वेश्चन में खर्च कर दिया है। आई स्पेंट माई टाइम, आई स्पेंट माई टाइम ओवर ए टॉपिक, यानी मैंने एक टॉपिक में ही अपने सारे समय को बर्बाद कर दिया है। किसमें? एक टॉपिक को सॉल्व करने में, एक टॉपिक को पढ़ाने में ही अपने सारे समय को बर्बाद कर दिया है। तो किसी कार्य में लगे होने या समय को गुजारने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा बेटा? ओवर का यूज किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूप में ढकने के अर्थ में। किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूप में ढकने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूपेण, या पूर्ण रूपेण ढकने के अर्थ में, ढकने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा? ओवर का यूज किया जाएगा। एग्जांपल लेके बात करते हैं हम, जैसे कि ही पुट हिज कोट ओवर द बॉय। ही पुट हिज कोट ओवर द बॉय, यानी उसने अपने कोट से लड़के को ढक दिया। उसने अपने कोट से क्या किया? लड़के को ढक दिया, लड़के के ऊपर अपने कोट को डाल दिया, उसको पूरे तरीके से ढक दिया। आगे और बात करते हैं एग्जांपल लेके, जैसे हम देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई। देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में क्या है? देयर वर क्लाउड्स ओवर द स्काई होगा, इन द स्काई नहीं बेटा, ओवर द स्काई। देयर वर क्लाउड्स ओवर
द स्काई, यानी कि आसमान के ऊपर क्या है, बादल छाए हुए हैं। आसमान के ऊपर क्या छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। और इसका जो लास्ट यूज है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आर पार के अर्थ में, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आर पार के अर्थ में। किसका यूज किया जाएगा बेटा, ओवर का यूज किया जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, देयर वाज ए ब्रिज, देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कि रिवर के दोनों तरफ जो किनारे हैं, दोनों किनारे किससे जुड़े हुए हैं, एक ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि रिवर के ऊपर क्या है, एक ब्रिज है। आगे हम अगला प्रपोजिशन जो लेते हैं बेटा, वह है हमारा इनटू। अब हम पढ़ेंगे क्या यूज ऑफ इनटू। इनटू का यूज जो किया जाएगा बेटा, गतिशीलता के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाएगा, गतिशीलता के अर्थ में इनटू का यूज किया जाता है। अगला प्रपोजिशन क्या है, इनटू, और इनटू का यूज जो किया जाएगा किसमें किया जाएगा, गतिशीलता के अर्थ में। किसमें, गतिशीलता के अर्थ में। और गतिशीलता के अर्थ में किस प्रकार इसका यूज किया जाता है, वो एग्जांपल लेके हम समझेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस गो इन टू द गार्डन, हमें गार्डन में जाना चाहिए। अब गार्डन में चल के जाएंगे तो गति होगी, गार्डन में अगर हम चल के जाएंगे तो क्या होगा, गति होगी। और गतिशीलता के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनटू का यूज किया जाएगा। आगे हम अगला एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि द फिश जंपड इनटू द वाटर, यानी कि जो फिश है, फिश ने पानी में जंप लगा दी, फिश जो है पानी में कूद गई, तो गति हुई, पानी में कूद रहे हैं तो गति होगी। गति होगी या नहीं होगी, गति होगी। और गतिशीलता के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा बेटा, इनटू का यूज किया जाएगा। ठीक है, इनटू का जो अगला यूज है हमारा, वो है दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में। दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम, घटना के परिणाम को दर्शाने में। दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में किसका यूज किया जाएगा बेटा, इनटू का यूज किया जाएगा। जैसे कि दशा में परिवर्तन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, When he saw his mother, he burst into tears. यानी जब उसने अपनी माँ को देखा, he burst into tears. यानी जब उसने अपनी माँ को देखा तो वह फूट फूट करके रोने लगा। तो दशा में परिवर्तन हुआ है, दशा में परिवर्तन के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, इनटू का यूज करते हैं। घटना का परिणाम दिखाने में या दशा में परिवर्तन के लिए किसका यूज किया जाता है, इनटू का यूज किया जाता है। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं आपकी, जैसे कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट, ये लाइन तो आपने अच्छे तरीके से सुनी होगी, ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि इन जो सेंटेंस हैं इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। तो दशा में परिवर्तन होगा, हिंदी से इंग्लिश में यदि आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो दशा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और दशा में परिवर्तन के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपना अगला प्रपोजिशन है अंडर।
अंडर जो है किसका, ओवर का ब्लूम शब्द है। कौन सा प्रपोजिशन है अगला हमारा, अंडर। और अंडर जो है क्या है, ओवर का ब्लूम शब्द है। बात करते हैं अंडर के यूज की। अंडर का जो यूज किया जाता है बेटा, वह किया जाएगा किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में, किसी वस्तु की सतह के नीचे के होने के अर्थ में, किसी वस्तु के नीचे की सतह के किसी वस्तु की सतह के किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में, किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में। किसका यूज किया जाएगा बेटा, अंडर का यूज किया जाएगा। आगे इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या आपने बेड के नीचे देखा है, क्या आपने बेड के नीचे देखा है। और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि द डॉग वेंट अंडर द टेबल, द डॉग वेंट अंडर द टेबल, यानी कुत्ता जो है कहां पर चला गया, टेबल के नीचे चला गया है। किसी वस्तु की सतह यानी कि जहां पर बेड के नीचे की बात हो रही है अंडर का यूज किया, और यहां पर टेबल के नीचे होने की बात की जा रही है, तो किसका यूज किया है हमने, अंडर का यूज किया है। इसका अगला यूज पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।